अभी के लिए मान के चलते हैं कि 100 नंबर का अगर आपका पेपर हो रहा है, 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, जिसमें आपका मैथ, इंग्लिश, जीके, हिंदी, बेसिक बेसिक चीजें हो गई, इंग्लिश और संस्कृत को अभी हाँ या ना नहीं बोल सकते, वो लास्ट में डिपेंड करेगा कि क्या सोच है आगे एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बिहार सरकार की, वो क्या चीज चाहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में संस्कृत के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई जगह पे इंग्लिश भी नहीं आती। तो ये आपका जनरल पेपर बन जाएगा, रीजनिंग डालेंगे डालेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड डालेगा, फिर उसके बाद टीजीटी पीजीटी जो आपका छठी से आठवीं, फिर नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं, ये सारी वैकेंसीज हैं, इनमें आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट आ जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड के अलावा। तो 100 नंबर का जो पेपर है, इसको लेके पहला पॉइंट तो ये कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग? उस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जिसमें क्वालिफाई करने के लिए एक पॉइंट डाल दिया जाता है अमूमन। अर्थात अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि 50% आप स्कोर करिए इस पेपर में, तभी आप मान्य हैं आगे की भर्ती, मतलब आगे की प्रक्रिया के लिए, चाहे सीट खाली चली जाए। ये बच्चों के मन में पहले से डाउट था, अभी भी फिर से डाउट आ रहा है कि क्या पता हमारे 50% ही ना आए और सीट खाली रह जाए। तो हाँ, हो जाता है, दिल्ली में ऐसा हो जाता है, सीटें खाली रह जाती है। तो जो ये 50% वाला जो फैक्टर है, जब आप ये डाल रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग डालने का तुक बनता भी नहीं है और डाल भी नहीं रहे हैं। ठीक है, 100 नंबरों पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बीपीएससी ऑनलाइन पेपर आज तक कराया नहीं है, तो उम्मीद नहीं है कि इस बार भी नहीं करा पाएंगे। वो पहले कह चुके कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है निकट भविष्य में, आगे चल के कभी वैसे संसाधन बन गए कि ऑनलाइन पेपर करा पाएंगे तो हम करा लेंगे। ये पॉइंट हो गया। दूसरा, आप लोग जनरल के लिए 50 नंबर लाना जरूरी होगा। ठीक, और ओबीसी एससी एसटी यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है, आरक्षित वर्ग जो है हमारा, उसके लिए 45% नंबर लाना अनिवार्य होगा। ये अभी तक की जानकारी के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। बात करते हैं पेपर के सिलेबस की, उसे लेकर मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे ही लोगों से जो कि फील्ड से जुड़े हुए, सलाह लेके या फील्ड एक्सपर्ट इस चीज को डिसाइड करेंगे कि क्या सिलेबस रखा जाएगा, और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसमें 19-20 हो सकता है, कोई बहुत दिन रात का अंतर नहीं आ जाएगा। यानी कि पांचवी वालों से आठवीं से लेकर दसवीं स्तर तक के सवाल, आठवीं वालों से जो छठी से आठवीं के टीचर बनेंगे उन लोगों से दसवीं से बारहवीं स्तर के सवाल, जो नौवीं दसवीं के बनेंगे स्नातक स्तर के सवाल, ग्रेजुएशन स्तर के सवाल, ग्यारहवीं बारहवीं वालों से पर स्नातक के यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के सवाल, ये पूछे जा सकते हैं। यही अभी तक का एक जो न्यूज है वो है, और ये ऐसा होता भी है, सब जगह ऐसा ही होता है, तो उसमें कोई बहुत चेंजेस नहीं है। ज्यादा चेंजेस क्या हो सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं। भाई मैथ के 20 ना पूछ के 25 पूछ ले, हिंदी आपकी 15 ना पूछ के 5 पूछ ले, तो वो कम ज्यादा हो सकता है कि कौन सी चीज कितनी महत्व की रहेगी, ये तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन सिलेबस यही रहेगा, उस चीज को लेकर यहां पर क्लियर लिखा भी गया, हाईस्कूल के शिक्षक के लिए इंटर स्नातक इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इस तरीके से प्रारंभिक वालों के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक ये जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तैयारी मैंने शुरू कर दी है, मैं तो एक स्टेप आगे बढ़ के ही तैयारी करवा रहा हूं। सारे टीचर लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने फ्री क्लासेस बिल्कुल शुरू कर दिए हैं, बल्कि फ्री क्लासेस से आगे बढ़ के आप लोगों के लिए, तुम पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। वीडियो के नीचे बच्चे कमेंट करते रहते हैं, नहीं दिख रही है पीडीएफ, देखो ऐसे नीचे लिंक होगा कमेंट में, उस पर क्लिक करोगे, गवर्नमेंट जॉब टीचिंग, गूगल से साइन इन किया, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना, फिर गवर्नमेंट जॉब, फिर टीचिंग कर लिया। अगले स्टेप पे यहां ऊपर स्टडी मटेरियल जहां ये लिखा हुआ है ना, स्टडी मटेरियल, इस पर क्लिक कर देना, आपका दूसरा तीसरा ऑप्शन होगा स्टडी मटेरियल में फ्री पीडीएफ। फ्री पीडीएफ में मैथ की किताब है मेरी, बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसे डाउनलोड करने के लिए ना यू उसपे तीर का निशान बना हुआ है कि यहां क्लिक करो, उसे पढ़ तो लो, उसपे क्या लिखा हुआ, उस पर लिखा हुआ क्लिक यहां, अब उस पर क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएगी। ये जो मेरी क्लास की पीडीएफ है वो यहां पर नीचे कम्युनिटी पे आप जब जाएंगे तो कम्युनिटी पे मेरा ग्रुप आप ढूंढ लेना, आयुष सर मैथ्स के नाम से, ये ग्रुप अगर आप ढूंढ लेंगे, इसमें मैं पीडीएफ मतलब दो सैंपल पेपर लिए, एक डाल चुका हूं, एक डाल दूंगा, मतलब एक एक पीडीएफ डलती रहेगी, जब जो क्लास आज है उससे पिछले वाली आज मिल जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। यहां पर और भी आप एक दूसरे से चीजें शेयर कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ के मैं पीडीएफ और कौन कौन से डलवा रहा हूं, 4,500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डलवा रहा हूं, मतलब 4,000 सवाल जो स्टैटिक जीके है, जो कि फिक्स्ड है, जो बदलनी नहीं है आप लोगों की,
तो सामान्य ज्ञान के 4000 सवाल इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, वन लाइनर है, पढ़ते रहना उन्हें घूमते फिरते हुए। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वोकैबुलरी के, शब्दावली के सवाल इंग्लिश हिंदी के यहाँ पर पीडीएफ डलवा रहा हूँ फ्री पीडीएफ में, वो भी धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे, इतना मटेरियल रहेगा पढ़ नहीं पाओगे। स्टडी मटेरियल में इस वाले ऑप्शन में आप लोगों के लिए डेली क्विजेज आती हैं, आप सब्जेक्ट वाइज क्विज हिंदी इंग्लिश जिस भाषा में देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। और क्या ही लोगे, जान लोगे क्या लगे तो मैं। आज फिर मिलते हैं 7 बजे प्रैक्टिस सेट 3 में मैथ के, भूलना मत, और अपने मोहल्ले पड़ोस वालों को भी लेके आना। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम हैं तो क्या गम है।